क्योंकि यहाँ पे वो लिस्ट सिलेक्ट नहीं है, जब तक अपन यहाँ पे एम्प्लॉय की लिस्ट सिलेक्ट नहीं करते, जब तक ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता, तब आप क्या करेंगे, इससे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ रहा है यूज एंड एक्साइटिंग लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे, डायलॉग ओपन हो जाए। कहाँ सेव किया था, जी ड्राइव में, नाम दिया था 2.5 से 3, इस पर क्लिक करेंगे, देन ओपन पे क्लिक कर लेंगे, देखिए ऑप्शन हाईलाइट हो गया, क्लियर है। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन है एडिंग रिसेप्शन लिस्ट। अगर आप इस लिस्ट में एडिंग करना चाहते हैं तब आप इस पर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यही डेटा बनाया था अपन ने और यहाँ पे ये नाम आ रहा है, डेटा सोर्स का नाम क्या था, 2.5 से 3, आप इस पर क्लिक करेंगे, एडिट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, आप एडिट पे क्लिक करना, एडिट डेटा सोर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब अपन इसमें एडिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपने यहाँ पे लिखा था इंसा एड्रेस विधि से, इनका एड्रेस यहाँ पे है रायसेन, तभी गलती हो जाती है, आपको कोई भी एडिंग इसमें करना चेंज करती है अपन, क्या लिखा अपन ने यहाँ पे रायसेन। अब आप रायसेन के साथ इसे सेव करना चाहते, मतलब पहले यहाँ पे लिखा हुआ था विदिशा, अपन ने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, रायसेन एडिंग कर दिया अपन ने इस लिस्ट में। अब आप जैसे इसे ओके करेंगे, आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आएगा, क्या बता रहा है, डू यू वॉन्ट टू अपडेट यूर रिसेप्शन लिस्ट एंड सेव दिस चेंजेस टू 2.5 से 3, मतलब आपने जो भी डेटा अपना यहाँ पे अपडेट किया है आप उसे अपडेट करके सेव करना चाहते हैं, मतलब जो लिस्ट आपने यहाँ पे 2.5 से 3 के नाम से बनाई है आप उस लिस्ट को अपडेट करने के साथ सेव करना चाहते हैं, तब तो यस कर देंगे, और नहीं करना चाहते तो नो कर देंगे, मतलब आप चाहते हैं पहले विदिशा लिखा हुआ था वहाँ पे विदिशा ही लिखा रहा, अपडेट नहीं होना चाहिए, तब आप क्या कर देंगे, नो, लेकिन आप चाहते हैं अपडेट हो जाना चाहिए तब क्या कर देंगे, यस। क्लियर, अब देखिए ये अपडेट हो गया, बता रहा अपडेट हो गया, क्या लिखा आ गया इसमें, रायसेन हो गया अपडेट, इतना क्लियर है, इतना आप यहाँ तक चल रही। फिर नेक्स्ट है अपन का, इसमें अभी ये ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि अपन ने फील्ड यहाँ पे इंसर्ट नहीं की, आप क्या करेंगे, ऑप्शन है इंसर्ट मर्ज फील्ड, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिर्फ वही फील्ड आपको देखने को मिलेगी जो अभी आपने यहाँ पे फील्ड चूज की थी, अपन ने बनाई थी फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी नेम, यही फील्ड थी अपनी। अब आपने इंसर्ट कर दिया फर्स्ट नेम, इंसर्ट हो गया, फिर एंटर करेंगे, आपको इसमें लेना है लास्ट नेम, अगर साथ में ही लेना चाहते हैं पूरा तो आप यहाँ पे पूरा साथ में ले लेंगे, ताकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूरा साथ में लिखा हुआ आ जाए, एंटर करेंगे, फिर आप यहाँ पे ले लेंगे कंपनी नेम, फिर एंटर करते हैं, अगर और कोई इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे लेना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लें, अपन ने ले लेते हैं एड्रेस, इतना क्लियर है। अब अपन इसको यहाँ पे एंटर करते हैं, अब अपन अपना यहाँ पे लेटर टाइप करें, जो भी लेटर आप उन्हें सेंड करना चाहते हैं वो लेटर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, अभी अपन ने पैराग्राफ ले लिया, क्लियर है इतने। अब आप देखिए आपने यहाँ पे ये फील्ड इंसर्ट की है, ये ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, आप चाहते हैं इसमें से आपकी पूरा लेटर नॉर्मल लग रहा है, आप चाहते हैं इसमें वो फील्ड हाईलाइट हो जाए जो आपने यहाँ पे अभी इंसर्ट की थी, ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट मर्ज फील्ड, इस पर आप क्लिक कर लें, देखिए सिलेक्ट कर लो, हाईलाइट हो रही है अलग ही, इस पे से क्लिक हटा देंगे नॉर्मल सो रही है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगी, क्लियर है इतना। अब अपन इसका प्रीव्यू देखते हैं, आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू रिजल्ट, देखिए बता रहा यही था। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें यहाँ पे एड्रेस ग्लो, अभी आप देखिए प्रीव्यू में एड्रेस में आपसे क्या बता रहा है, दुर्गा नगर। अब अपन ने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे अपन ले लेते हैं एड्रेस ग्लो, आपको एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करना है, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें आपको बता रहा है एड्रेस ब्लॉक में वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या क्या दे रहा है, पर्सन का नाम, कंपनी नेम, एड्रेस और सिटी, एड्रेस ब्लॉक में वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा, एड्रेस में क्या देता है सिर्फ पर्सन का एड्रेस, लेकिन एड्रेस ब्लॉक में वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देगा। अपन इसे ओके कर दें, देखो नाम क्या लिखा रहा है सिर्फ एड्रेस ब्लॉक, लेकिन जब प्रीव्यू देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, क्लियर है, इतने में कोई डाउट तो नहीं, ऐसे अपन हटा दें। देखिए अभी आप जब यहाँ से प्रीव्यू कर रहे हैं, अपन ने एड्रेस लिया, एड्रेस में क्या आ रहा है सिर्फ दुर्गा नगर, लेकिन जब आपने यहाँ क्लिक किया एड्रेस ब्लॉक पे आपने क्लिक किया, देखिए बता रहे हैं यहाँ पे, अगर आपने इसमें यहाँ पे सिलेक्ट किया, बता रहा आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या क्या दे रहा है,
पर्सन का पूरा नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस और सिटी। नहीं ये वाले नहीं खिले, आप तो यहाँ पे सो करवा रहा हूँ। एड्रेस ब्लॉक में तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपने कर दिया ओके। देखें यहाँ पे क्या लिखा है, एड्रेस ब्लॉक। अब आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करिए, देखिए आइए पूरी इन्फॉर्मेशन है। प्रीव्यू पे से क्लिक हटाना, कितना लिखा आ रहा है, एड्रेस ब्लॉक, क्लियर। अब अपन यहाँ पे इस पे क्लिक करके एंटर कर दिया। नेक्स्ट है ग्रीटिंग लाइन। ग्रीटिंग लाइन क्या होती है, आपने देखा जब भी अपन कोई लेटर किसी को सेंड करते हैं, अपन उसमें लिखते हैं डियर, मतलब डियर अजय शर्मा या टू अजय शर्मा, पर्सन के नाम क्या लिखते हैं, ये क्या होता है, हाँ लेटर वाइज नाम लिखते हैं। तब आप यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करें, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। आपका यहाँ होता आपको टू लेना है कि डियर लेना है, आपने सेलेक्ट किया डियर। प्रीव्यू बता रहा क्या लिखा आएगा, डियर अजय शर्मा, अपन ने वो ठीक कर दिया। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रीटिंग लाइन, लेकिन जैसे इसको प्रीव्यू करेंगे क्या लिखा आएगा, डियर अजय सर, ऐसे ही रहता है, क्लियर है इतना। अब इतने ऑप्शन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, चल लेंगे। फिर नेक्स्ट ये रहता है प्रीव्यू, प्रीव्यू नहीं देखना तो इस पर से क्लिक हटा देंगे, फील्ड से होंगी। प्रीव्यू देखना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड। अब आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जाना है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, देखिए चेंज होता जा रहा है, ये देखिए चेंज हो गया। अगर आपको प्रीवियस पे आना है तो यहाँ से ये प्रीवियस पे आ जाएगा, क्लियर है इतना, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे साइन रिसेप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे, सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो अभी अपन ने पढ़ा था साइन वाला, सेम वही ऑप्शन है आपका, कर लेंगे। उसमें क्या हो रहा था, वहाँ पे थे, वहाँ पे फाइंड हो रहा था, अब इसमें कहाँ फाइंड हो जाएगा, यहाँ जैसे आपको यहाँ पे लेना है राम, जैसे ही आपने राम पे क्लिक किया, देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन किसकी आ गई, राम की आ रही। इस टाइप से यहाँ पे आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है चेक फॉर एरर, आप इस पर क्लिक कर दें, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपका यहाँ बता रहे हैं कंप्लीट द मर्ज पोजन टू रिपोर्ट ईच एरर अस इट ऑकर्ड। अभी आपके ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है पूरे, यहाँ पे ये लिस्ट सिलेक्ट है, लेकिन अगर आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर दिया तो ये देखिए इस टाइप से आपके पूरे ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुए, चली जाए यहाँ से पूरी फील्ड आपके यहाँ से चली जाए। अब उसने यहाँ पे क्या कर दिया, चेक फॉर एरर। वापस लाने के लिए आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे, यूज पे क्लिक करेंगे, जी ड्राइव में अपने लिस्ट अपने यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, देन ओपन पे क्लिक कर देंगे, ये ऑप्शन फिर से हाईलाइट हो जाए, क्लियर। यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। अब देखिए अब आप यहाँ से नेक्स्ट कीजिए, अब आप यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, आपके ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि आपने किस पे क्लिक कर दिया था, चेक फॉर एरर, इस पे क्लिक करके आपने जैसे ही ओके कर दिया, जो आपकी लिस्ट थी वो अगर आप फिर से भी ओपन करेंगे तब भी वो आपको ये ऑप्शन हाईलाइट करके नहीं देगी। अपन ने ऐसे कर दिया क्लोज, ये देखिए नहीं हो रहा, अपन जैसे यहाँ से करते हैं डोंट सेव, अब आ रहा है आपके यहाँ पे, ये इस टाइप से आपके यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, क्लियर। और लास्ट रहता है फिनिश, इस पर क्लिक करेंगे, आप इसे मेल करना चाहते हैं सेंड ईमेल पे क्लिक करना, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। टू में आप सिलेक्ट करेंगे किसके थ्रू भेजना चाहते हैं, अपन ने लिख लियो ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट नेम के हम अपन डाल देते हैं यहाँ पे लेटर, बाकी जो भी सब्जेक्ट नेम रहेगा आप यहाँ पे डाल देंगे। मेल फॉर्मेट आपका क्या होना चाहिए, अटैचमेंट, प्लेन टेक्स्ट या HTML, अपन इसमें सिलेक्ट करते जाते हैं HTML। फिर पूछ रहा है आपको ऑल रिकॉर्ड भेजना है या करंट रिकॉर्ड भेजना है, अगर ऑल भेजना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, करंट वाला भेजना है तो इस पर। फ्रॉम में आप यहाँ पे जी मेल आई डी, टू में जी मेल आई डाल दी, फ्रॉम में आपके टू में उस सामने वाले पर्सन जी जिसको आप भेज रहे हैं, और ओके पे क्लिक कर देना। इसमें अपन अपनी ईमेल आई डाल देंगे जिस ईमेल से अपन भेज रहे हैं, और टू में उस सामने वाले पर्सन जी जिसको आप भेज रहे हैं, जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे ये मेल हो जाएगा। अभी अगर आप ओके कर देंगे, अभी आप देखिए इस टाइप का आपके सामने ये ओपन कर देंगे, वेलकम टू आउटलुक 2013, ये अपने कंप्यूटर में भी नहीं है, देखिए यहाँ से ये मेल नहीं, नेक्स्ट करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब आप इसे नेक्स्ट करके यहाँ पे दे रहा ऑप्शन ईमेल अकाउंट, अपन तो ये नहीं चाहिए, अपन ऐसे कैंसिल कर देखिए। प्रोफाइल बनाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल, अपन को नहीं बनाना, अपन ऐसे यहाँ पे कर दिया क्लोज, ठीक है क्लियर है, कर लेंगे। इतने में कोई डाउट